हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती 2022-23 के लिए जिला दुर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें 22 स्कूल के लिए टोटल 280 से भी अधिक शिक्षक की भर्ती निकाली गई है और इसमें यह हिंदी माध्यम के लिए है। इसमें व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला से लेकर सहायक ग्रेड 2-3, प्रधान पाठक और ग्रंथपाल के लिए भी टोटल 286 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है। इस वीडियो में बताया गया इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, क्या क्या पोस्ट निकले हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला दुर्ग के लिए निकाली गई है। इससे पहले भी दुर्ग जिले के लिए वैकेंसी आई थी, वो संविदा के लिए आई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें टोटल स्कूल यह सब दिए हुए हैं नंबर वाइज। इसमें टोटल 22 स्कूल के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। यह सब 22 स्कूल का नाम दिया हुआ है दुर्ग जिले में ही। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के पोस्ट हैं और इसके लिए भर्ती प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। इसके इसके लिए आपको आवेदन कब तक करना है, इसके लिए आपको 5/8/2022 से 5 बजे से पहले पहले केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन करना है, जिसके लिए एड्रेस रखा गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, जिला पंचायत के सामने, जीई रोड, जिला दुर्ग, और पिन कोड भी यह दिया है। इसी एड्रेस पर आपको 5 से पहले पहले आवेदन कर लेना है। इसके बाद इसके लिए हम इम्पोर्टेंट निर्देश देखेंगे। इससे आवेदन संबंधित या इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसमें शैक्षणिक पद में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला ही प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी राज्य शासन में विद्यालय में पदस्थ है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको इसके साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के पोस्ट यह सब निकाले गए हैं। इसमें अंग्रेजी माध्यम के जो पोस्ट हैं उसके लिए अंग्रेजी माध्यम के आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको अपना आवेदन पत्र एक जिला कार्यालय शिक्षा अधिकारी दुर्ग में ही 5 से पहले पहले आपको भेजने हैं, यह आपको पहले ही बता दिया गया है। इसमें आपको विद्यालय के अनुसार नहीं भरना है आवेदन पत्र। इसमें विद्यालय के प्राथमिकता का क्रम आपको लिखना होगा और लिफाफे के ऊपर पद, विषय, अध्यापन का माध्यम भी आपको लिखने होंगे। इसके बाद इन सभी पोस्ट के लिए चयन प्रक्रिया में इसमें 10 अंकों का इसमें आपका साक्षात्कार इन सभी पोस्ट के लिए लिया जाएगा और इसमें 10 अंकों का कौशल परीक्षा या इसमें टेस्ट भी लिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसके लिए हम पदों का विवरण स्कूल के अनुसार देख लें तो इसमें व्याख्याता के लिए पहला ये हिंदी माध्यम है और इधर इंग्लिश माध्यम के लिए है। यह सभी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसके बाद इसमें शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए भी इसमें एक एक पोस्ट इंग्लिश माध्यम के लिए निकाले गए हैं। इसके बाद दूसरा स्कूल भी है निकला हुआ है, तीसरा। इसी प्रकार से टोटल 22 स्कूल के लिए व्याख्याता से लेकर सहायक ग्रेड 2-3, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सभी के लिए पोस्ट हैं और इन सभी के लिए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसकी क्वालिफिकेशन पहले बता दी गई है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन पत्र का प्रारूप इसी PDF में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस लिफाफे का प्रारूप है, लिफाफे में आप इस प्रारूप को लगाकर इसे भर लेंगे, पद का नाम और विषय लिख देंगे, विद्यालयीन अध्यापन का माध्यम आपको भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। इसके बाद प्रतिनियुक्ति का यह आवेदन पत्र दिया है, इसमें आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है, हस्ताक्षर कर देना है, फिर यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जो आप बनवाए हैं DO ऑफिस से उसे आपको इसके साथ लगाना है और बेसिक जानकारी फिल करके आपको इसमें विद्यालय का क्रम देना है। इसमें आपको प्राथमिकता क्रम देना है, 22 स्कूल के लिए निकाले गए हैं, एक ही पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको विद्यालय क्रम देना होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको आवेदन अलग अलग करने होंगे। इस प्रकार से इस आवेदन पत्र का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में दे दिया गया है, जहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।